पिछले 17 दिनों तो हड़ताल से चल रहे सफाई सेवकों ने रूपनगर नगर कौंसल विच कौंसलर अशोक बाई के खिलाफ जम के नारेबाजी की। हालांकि अशोक बाई का कहना है कि उन्होंने सफाई सेवकों के हक में आवाज़ चुकी से कहा कि सफाई सेवकों को पक्के किए जाए, परंतु उसके बावजूद सफाई सेवकों वालों अशोक बाई के खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। दरअसल मामला उस समय गर्मा गया जो नगर कौंसल की नवी बनी कमेटी के कौंसलर की मीटिंग तो पहला कांग्रेसी कौंसलर अशोक बाई सफाई सेवकों समझाने लगे कि नवा प्रधान उत्ते उस समय साथी मीटिंग सफाई सेवका के कच्चे सफाई सेवका की भर्ती का मता पा रहे हैं। इस दौरान जो सफाई सेवका की चेयरमैन राजरानी अशोक वाही कोई गल कहते गीता अशोक वाही ने उसू कहा कि बीबी तू चुप कर, तेरे नाल कोई गल नहीं। बस इस गलते सफाई सेवक भड़क गए और अशोक वाही के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर मौजूद कौंसलर राजू सत्याल और पौमी सोनी ने सफाई सेवकों को रोकने की कोशिश की, परंतु सफाई सेवक विरोध में डटे रहे। रूपनगर तो सज्जन सिंह सैनी की जीरो लाइन टीवी के लिए रिपोर्ट। अंदर तो भर्ती फिर हो रही है, बाहर आगे कह रहे भर्ती नहीं है। मैं तो उम्मीद कहता भी यह गलत कह रहे सारी भर्ती हो गई है सारे, और सवाल मेरे तो किसी ने विरोध नहीं होता खिलाफ ही पता नहीं क्यों और कुछ एम सी डी कर रहे थोड़े खिलाफ अपने छात्र माइंड भड़का के इन्हों गुमराह करके साडे हरेक मैनेजमेंट के साथ लड़ाई करवाता है। इहदा हुण नहीं शुरू तो इहदा ही काम रहा जी, पर असीं धन्नवादी हाँ भी जिहड़ी साडी हुण दी जिहड़ी मैनेजमेंट आ उन्होंने साडा जिहड़ा जो मंगा उन्होंने स्वीकार करिया, पर असीं जिहड़ियां मंगा उह प्रोसीडिंग देख के फिर उहदा जवाब देवांगे। मामला कित्थों भखिया, की गल होई सी? मामला सर यह भखिया साडे एम सी साहब आ उरे मीटिंग होई इहनां दी अज्ज, असीं कहा भी ठीक आ जी असीं अज्ज पुतला फूकण दा पंजाब सरकार वल्लों जिहड़ी साडी हड़ताल आ उस संबंधी असीं पुतला फूकण दा प्रोग्राम मिथ्या पिआ सी, ते उरे आए साडे मुलाजमां नूं झूठा भड़काउण लग गए भी इह थोड़ा ठेका हो गया, जबकि ये यह लिखा हुआ सी भी 2 महीने लिए इन्हों एक्सटेंड किया जाता ता जो जी कर्मचारियों की सैलरी मिल सके। सो इस करके असी इस गल का विरोध करा, सा जी चेयरमैन साडे मान सम्मान आ साडी चेयरमैन श्रीमती राजरानी भट्टी उन्होंने इन्होंने बदसलूकी करी ते उन्होंने मंदी शब्दावली यूज़ किया, इस करके असी इन्हों का सब तो पहला इस गल का विरोध किया, फिर उन्होंने खिलाफ़ नारेबाजी की आ। इस तो बाद अगे भी नारेबाजी जारी रहेगी जब तक ये अपनी माफ़ी नहीं मंगता इस गल तो।